हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं हूँ अपने मायके में और ये है मायके का फर्स्ट डे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है मेरी मम्मी जो सुबह उठ के 6 बजे अपने दामाद जी के लिए ब्रेकफास्ट और टिफ़िन रेडी कर रही हैं। तो यहाँ पे बन रही है चाय और कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। ये अभी इनको ऑफिस जाना है इस वजह से सुबह मम्मा तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पे मम्मी लेटी थी और अंदर चलते हैं तो अंदर भी दिखाते हैं क्या है। आरुष सो रहा है तो यहाँ पे आरुष सो रहा है और ये फ्रेश होने के लिए गए हैं। उसके बाद आप वीडियो को एंजॉय करिए और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरे मायके के मज़े, आ जाओ आ जाओ। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, जल चढ़ा के आ रहे हैं। और फिर इनको मैंने दिया है नाश्ता। ये है दलिया और सब्जी रोटी जो कि इन्होंने सिर्फ दलिया खाई थी नाश्ते में। और उसके बाद हम लोग रेडी होके मंदिर के लिए गए थे। उस दिन था ट्यूसडे और मैंने सोचा कि आज ट्यूसडे है, हम लोग सब लोग यहीं पे ही आए हुए हैं तो क्यों ना दर्शन कर लें। क्योंकि मैंने माना हुआ था कुछ, इस वजह से हमने कहा चलो चलते हैं दर्शन कर ले वरना चीज़ें टलती रह जाती हैं। और बजरंगबली का मंदिर है ये, जो कि हम शादी से पहले मैं यहाँ पे हमेशा जाती थी और हमारी जो गाड़ी है वो उसकी पूजा भी यहीं से हुई थी। यहाँ से मतलब बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारा अटैचमेंट है। तो उस दिन मॉर्निंग में यही किया था और बहुत अच्छा लगा था। और ज़्यादा प्रॉपर मैंने शूटिंग नहीं करी क्योंकि मंदिर वगैरह में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, हम दर्शन करने के लिए आए हैं तो फिर बस थोड़ा बहुत आपके साथ जो भी रिकॉर्ड किया है वही है। तो प्लीज़ वीडियो को एंजॉय करिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए। अभी आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मिलाते हैं अपनी भाभियों से। दर्शन कर लिए, देखिए बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह मंदिर जाना और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मेरा तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, थोड़ी देर और बैठना था वहाँ पे। और ज़्यादा मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमारे पति देव शूट कर नहीं पाते हैं और मुझे थोड़ा सा अभी शर्म भी आ रही थी इस वजह से थोड़ा बहुत शूट किया। क्योंकि मंदिर वगैरह में डर लगता है ना कि कोई टोक दे, इससे अच्छा है कि आप अपना कैमरा बंद करो और जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे ही आप थोड़ा बहुत शूट कर लो। तो वही हुआ, बस अब घर जा रहे हैं। और आरुष घर पे था, मुझे लग रहा है अभी उठ गया होगा, देखते हैं क्या है। बस फिर मैं घर पे आके भी मैंने पूजा करी थी मंदिर में क्योंकि मम्मी थोड़ा बिजी थी तो मैंने सोचा कि पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद आरुष की क्लास स्टार्ट होनी थी, आरुष भी उठ गया था तो वो अपना इधर उधर नन्ना के पीछे ही लगा हुआ था। आरुष ने ब्रश कर लिया है, अभी वो ब्रेकफास्ट कर रहा है और अब उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ऑनलाइन क्लास। तो अभी पढ़ाई भी करेगा ना? नहीं। हाँ हो, पढ़ाई नहीं करोगे? नहीं। अच्छा बच्चे, देखो विहू भी स्कूल गया है ना और आप ऑनलाइन क्लास पढ़ोगे अपनी और फिर उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे। हाँ ठीक है, धूप में। हाँ, और में राइडर खेलेंगे। राइडर खेलेंगे ठीक है, और साइकिल खींचते हैं। तो बोलो गाइस, मैं अभी पढ़ाई के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। वीडियो भी लाइक के शेयर के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारे मायके की दोपहर में सारी औरतें बैठी हैं धूप में। देखो अरे, देखो अब आ गए बच्चे। हेलो विहू, क्या खाओ। चम्मच खाओ। यहाँ पिकनिक चल रही है, खाइए तो हम सब। मैंने
क्या लंच में लेके आई हैं? अरे अमरूद, मैं अमरूद लाई थी क्या करी? और अपने पास लाई थी मेथी की पूरी और पूरी लेकर आई हूँ बच्चे की। साथ में मैंने ये चटनी बनाई है। अभी रुको। और मैंने सब अपना ही बना के लाई है। जा रहे हैं धूप नहीं, चलिए धूप नहीं खत्म हुई है लेकिन हम लोग जा रहे हैं। हमारी मीटिंग खत्म हो गई, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे, कल फिर ऐसे ही रहेगा हफ्ते भर, और ऐसे ही रहेगा यहाँ की धूप, मायके के मजे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।